ले वैभवचा जीव घे म्हणले का हा हा कसा म्हणले सुसाइड करून कसा जोर से जोर से कुठं पंखे कुटंग आके एक झाडकू हा पंखे कुटंग आके से आवाज लगा और जोर से हाँ लगा जोर से हाँ इसका नाम क्या है छोकरे का वैभव ला कशा मधी खाओ घात ले होते सांग कशा मधी दाल भात मधी कुट खाओ घात ले होते हिचे घरा मधी तेंचे घरा मधी बोलून घरा मधी हिचे घरा मधी वैभव चे हाँ आते दवा कुटून आणली होती शमशान खबरस्तान हा शमशान तुला काय म्हणले वैभवचा जीव घे म्हणले का हा हा कसा म्हणले सुसाइड करून कसा जोर से जोर से कुठं पंखे कुटंग आके एक झाडकू हा पंखे कुटंग आके अमुषाला पूर्णिमाला जोर से पूर्णिमाला अरे वैभव पे जादू करके कितना टाइम होगा एक डेढ़ साल धारा ठीक है चलो कैमरा पकड़ो उधर से कैमरे वाले इधर से जब पिक्चर लेंगे और नसीबा जब पानी से गिलास का उठा के उसका क्या हुआ पानी का गिलास कहाँ है पानी डालो ते बाटल में पानी डालो उसमें यो भाई भाव पानी में ये जो मामला है इसका तो वो बला जो है खुद ब खुद आए वाली नहीं है तो उसके अंदर जो छोड़े वाली चीज है तो वो घर में उसको क्या कर रहा था किरकिरा झगड़े करने लगा रहा था उसी कमाई धमाई से उसके दिल दिमाग को उड़ा दिया था अभी उसके सब पकड़ के पूछा है ना मैंने सामने बातें और उसके बाद वो क्या कर रहा था इसको पूरा बर्बाद करके लास्ट में उसने बोला ऐसा बोला कि उसको पंखे को टंगा के मार दूंगा ठीक है सुसाइड अटेम्प्ट कराने के लिए बोले उसके घर के अंदर दाल भात मदी कायतड़ी मिस्रून खाओ घातले होते तेला उसको दाल भात के अंदर चावल में दाल में मिलाकर कुछ खिलाए थे उसने सब बोला वो कौन है लोग वो आगे के चक्कर में नाम पूछाऊंगा जिसका भी नाम निकलेगा उससे लड़ने की तुम्हारी जवाबदारी नहीं रहती इंसाफ की तलवार दो धारी रहती वो मेरे ऊपर छोड़ दो क्या करना उनको बराबर सजा देंगे क्योंकि दूसरों के वास्ते खड्डा खोदने वाला तो खुद खड्डे में गिरेगा ना किसके बच्चों का सब एगुना मारने को उसकी तरक्की नहीं देखे जाके जलन हसद होके उन्हें बहुत कम उम्र में ज्यादा कमा के आगे निकल रहा था बोल के उसको पूरा बर्बाद करके खत्म करने को करे थे अब उसको क्या क्या तराश हो रहा था उस तुमको ने इसके हो रहा है तुम चाहे हाँ हिंदी में बोलो हिंदी आती क्या पिताजी हाँ क्या क्या तकलीफ हुई थी घर को बच्चे को क्या क्या होता था वो बताता नहीं था मेरे को लेकिन मैं रहता था पुणे में और ये रहता था पत्री की कभी उधर कभी तो ज्यादा मार नहीं करता था उसी कमाई धमाई का क्या हुआ कमाई उसके पैसे कहाँ आते कहाँ जाते कुछ मिले नहीं कितना बर्बाद हुआ अभी तक कि बहुत बर्बाद हो गया अभी मेरे को दवाखाने में 4-5 लाख रूपये लगाए उन्हें अरे मेरे को ऐसा गया था मैं भी बर्बाद हो गया अरे तो ये बलाएं ऐसा करते इससे पहले इसके आंग पर कहीं हाजिर हुआ क्या तुमने सब तरफ तो बताएंगे दुआ पानी वो सब तरफ कहीं हाजिर होगी किसने सवाल करा क्या हाँ बोले थे लेकिन वो क्या बोले सामने लोग का सामने वाले मना लागे तुम्हारा तेचे आंग में दिए इसके आंग में आके वहाँ कहीं बोला क्या सवाल नहीं इसके आंग में आके बोला क्या लोग अपने मुंह से बोल रहे थे जादू करे अला तो सगळे लोक म्हणते तुमच्या घराला हिंदी हिंदी पूरा वर्ल्ड देखता सब लोग क्या बोलते तो आपके पूरे फॅमिली कुछ वो बंधा के रखे वाला है मगर सामने आके सवाल नहीं हुआ इतने परेशान है हम देखो यहाँ सवाल नहीं हुआ तो कहाँ होगा रही बात नाम नाम आगे पूछा दूंगा और नाम तो छूट नहीं सकता बिल्ली दूध पी रही आंखें बंद करके और ये सोच रही कि कोई उसको नहीं देख रहा ये बात रॉन्ग है मैं भी देखूंगा और पूरी दुनिया को भी दिखा दूंगा अगर तुम एक दूसरे के ऊपर ऐसी हरकतें करके एक दूसरे के घर बर्बाद करेंगे लोगों तो क्योंकि किसी का भी तो घर परिवार है किसी को तकलीफ देकर तुम्हें क्या मिलता शैतान के साथ हो तुम कैसा खुश होते गलत बात है ना ये भैया ऐसा किसी की हसद जलन रख के बर्बाद करना बाकी कौन केला होते काय गोष्टी आहेत
किती लोग का है, तो वो सब बाद में आगे पूछा दूंगा नामों के साथ में, क्यों कर रहे थे, क्या दुश्मनी थी और किस किस को घर से मारने वाले। मगर बार कैमरे में ना गया, मगर बार बार मैं एक ही बात ये बोलता हूँ कि कोई भी हो क्या भी हो, तुम लोग थोड़ा सतर्क रहा करो। तुम कुरान जो है पढ़ो सुनो समझो तो तुमको महफूज रहते तुम ये सब चीज़ों से। ऐसा नहीं कि कुरान खाली मुसलमान ही सुनेगा, मुसलमान के वास्ते उतरा, उस कुछ फैज मिलेगा, उस कुछ गुनेगा कुरान सुनने से। ऐसा नहीं, पूरे वर्ल्ड का हर इंसान के वास्ते उतरे अल्लाह है। वो जो जो भी सुनेगा उसको फ़र्क मिलेगा, फैज मिलेगा, उसको गुनेगा। तुम घर में सुबह सुबह बजाया करो सूरह यासीन, सूरह बकरा, सूरह मुज़म्मिल, जो बजा सकते हो लाउड स्पीकर के अंदर लगा के, वो ब्लूटूथ स्पीकर आते हैं उसमें गाने बजाने आता अपने को सुबह सुबह। ये क्यों नहीं आता भाई, ये भी तो बजाओ, इससे तुम्हारी निगेटिविटीज दूर होती, और निगेटिविटी दूर होंगी तो तुम ऊपर क्या बोलते तो राहत मिलेगी और फायज मिलेगा तुमको, सब वबाओं से परेशानियों से दूर रहेंगे। घर का एक मेंबर परेशान हो जाता तो पूरे मेंबर को पसंद। अब उसके पिताजी को भी हार्ट आया था, बोलते 4 लाख रुपए दवाखाने में लगे थे। अब अगली राउंड में वो पूछा दूंगा कि हार्ट सही में आया था कि फिर कोई दूसरी साजिश थी, दूसरे दुनिया का वार करके कोई बला बदतर, कोई शैतान, कोई जिन्नात या कोई चुड़ैल ऐसा कुछ छोड़कर करे थे, या फिर सही में बीमारी थी। वो आगे के राउंड में तफसील में पूछूंगा सब बातें, ठीक है। कौन से गाँव से आए थे? पात्री। जिला का आया है तेरा? मधुबनी। हाँ तो बोल रहा हूँ, सुन रहा हूँ तुम, पूरा वर्ल्ड। पात्री तालुका, जिला परभनी, जिला कल्याणेश्वर नगर पात्री। हाँ पात्री टाउन है उसका, डिस्ट्रिक्ट परभनी है, वहां से आए थे। जो भी है तुम लाइव में देखे, इससे ज्यादा आगे के चक्कर में पूछूंगा। और वो खुद ब खुद लगे वाला नहीं है मामला, ये कोई झपट रहती, एक कैसी झपट रहती, कहीं तुम उसके एरिया में चले गए, शायद वहाँ कोई शय है, कोई बला है, वहाँ तुमने उसके ऊपर कोई तहारत कर दी, पेशाब कर दिए, तो वो पलट के तुमको लग जाता। और पेशाब करने से पहले हदीस में बोले अल्लाह 3 कंकरे मारो, 1, 2, 3, या खंखारो, खंखार देना ऐसा 3 बार, उसके बाद करो। क्यों? हदीस में बोले अल्लाह, तुम अगर वहाँ पेशाब को रात में रात बे रात बैठ गए और वहाँ कोई दूसरी शय बैठी और तुम उसके ऊपर पेशाब कर दिए, तो फिर उन्होंने तुम्हारे से बहुत भयानक बदला लेता, फिर छोड़ता नहीं, पीछा पकड़ता, कैसा कर दिया बोल के। वो बोलते ना उसका क्या बोलने का अल्फाज नहीं मेरा। मगर एक दूसरी बात ये है, मुद्दे की अहम, कि खंखार के बैठना करना और दुआ पढ़ के घर से बाहर निकलना नहीं आती पढ़ने, तो भाई मोबाइल में रिकॉर्ड करके सुनो ना, यूट्यूब से गूगल से हर चीज मिल जाती ना तुमको, उसे अमल करो, हर चीज पे तुम अमल करेंगे तो बचेंगे। बस इतना ही कहूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं, बाकी सब बातें तफसील में आगे पूछूंगा इंशाल्लाह ताला।